हम सभी जानते हैं कि किसी भी असामान्य मौत में पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम शब्द अक्सर हम खबरों में सुनते रहते हैं और इस पोस्टमार्टम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। विभिन्न फिल्मों, क्राइम पेट्रोल या सीआईडी जैसे टीवी धारावाहिकों में शव परीक्षण जैसे विषयों को कैमरे के सामने लाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वास्तव में कैसे किया जाता है, ये किन तरीकों से किया जाता है? अगर आप इस सवाल का जवाब पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, पोस्टमार्टम काफी कठिन प्रक्रिया है। किसी शव का पोस्टमार्टम करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अक्सर जिस शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा होता है, अगर उसकी मौत किसी बड़ी दुर्घटना के वजह से हुई होती तो शव पोस्टमार्टम करने के लिए सही स्थिति में नहीं होता है, और इस स्थिति में उस शव का ठीक से पोस्टमार्टम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि एक सामान्य मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया जा रहा है जिसकी मौत किसी दुर्घटना के वजह से नहीं हुई, तो तब ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मौत नॉर्मल नहीं होती है तो मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। किसी व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई है, इस बात का पता करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है, और पोस्टमार्टम करने के बाद ही किसी व्यक्ति के मौत की असली वजह सामने आती है। अगर किसी व्यक्ति की मौत वृद्धावस्था या फिर किसी बीमारी के वजह से होती है तो उसे एक सामान्य मौत कहा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है या फिर उसकी मौत किसी एक्सीडेंट के कारण होती है तो फिर उसे एक असामान्य मौत कहा जाता है। लेकिन अगर शरीर के गहन विश्लेषण के बाद भी मृत्यु के कारण का निश्चित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है तो मृत्यु का कारण अनिश्चित घोषित किया जाता है। दोस्तों, इस मामले में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मौत के 2-3 दिन के अंदर पोस्टमार्टम कर लिया जाता है, नहीं तो उसकी लाश सड़ जाएगी और फिर किसी भी तरह से पोस्टमार्टम से मौत के कारणों का पता लगाना संभव नहीं है। जब कोई शव इस शव परीक्षा के लिए आता है तो सबसे पहले जो होता है वो उस शरीर की बाहरी परीक्षा होती है। इसका मतलब है कि शरीर अभी भी बाहर से काटा और जांचा नहीं गया है। इस मामले में सबसे पहले कुछ तस्वीरें शरीर के समान स्थिति में ले ली जाती हैं, ताकि बाद में सबके पास उस शरीर के पहले की स्थिति का रिकॉर्ड हो। फिर शरीर पर कोई टैटू या निशान हो तो भी लिखा होता है। फिर रक्त और नाखून के नमूने एकत्र किए जाते हैं और परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं। खून के साथ साथ हमारी आंखों के अंदर के पानी को भी जांच के लिए भेजा जाता है। ये दोनों किसी व्यक्ति द्वारा ली गई शराब या नशीली दवाओं की मात्रा निर्धारण करते हैं। इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। फिर फिंगरप्रिंट लिया जाता है। ऐसे में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर शरीर सड़ रहा है तो उंगलियों के निशान लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पहली बार में उंगलियों के निशान ठीक से नहीं लिए जा सकते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इस मामले में डॉक्टर सबसे पहले किसी दस्ताने की तरह हाथ की त्वचा को काट देते हैं और फिर वे खुद विशिष्ट मशीन पर हाथ लगाते हैं और फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। इनके साथ बालों के नमूने के लिए जाते हैं। फिर एक्सरे बाहरी परीक्षा का अंतिम चरण है। एक्सरे भी बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। मसलन, अगर शरीर में हड्डी टूट गई है तो वो हड्डी कैसे टूटी है, अगर हड्डी में कोई खरोच है तो ये खरोच कैसे आई, बाहर से लगी है या सामान्य घाव है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक्सरे निरीक्षण के माध्यम से पता चलता है। बाहरी जांच के बाद आंतरिक जांच की बारी आती है, जहां शरीर को काटा जाता है। ऐसे में सबसे पहले लाश से सारे कपड़े जांच के लिए उतारे जाते हैं। फिर शरीर के खाली छाती वाले हिस्से को ऊपर उठाकर पीछे की तरफ रबर के टुकड़े से लिटाया जाते हैं। शरीर को सामने से कटा गया है। ऐसे में यदि ये किसी पुरुष का शरीर है तो उसे वाई के आकार में काटा जाता है, और यदि ये किसी महिला का शरीर है तो उसे यू के आकार में काटा जाता है। ये कट कंधे से शुरू होती है और कंधे से शुरू होकर पेट के बिल्कुल नीचे यानी प्यूबिक सिस्टम तक होता है। कट के बाद डॉक्टर त्वचा और सभी ऊपरी परतों को हटा देता है ताकि शरीर के अंदरूनी हिस्से को देखा जा सके। शरीर को खोलने के बाद शरीर के अंदर के अलग अलग हिस्से अलग हो जाते हैं
उदाहरण के लिए सबसे पहले शरीर की वोकल कॉर्ड एसोफेगस और एट्रिया खोली जाती हैं, फिर हृदय और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को एक एक करके अलग अलग तरीकों से निकाला जाता है। इन भागों को प्रयोगात्मक रूप से देखा जाता है। ऐसे में दोस्तों, आप अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि हाथ पैर का क्या किया जाता है, तो इस मामले में मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरी प्रक्रिया में हाथ पैर ज़्यादा भूमिका नहीं निभाते हैं, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। हाथ पैर काटा नहीं जाते। फिर शरीर के अंगों का वजन मापा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बीमारियाँ हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में वजन घटाने का कारण बनती है। फिर पेट की जांच की जाती है, खाने के स्तर की जांच की जाती है। इससे वे ठीक से जांच कर सकते हैं कि शरीर की मृत्यु कब हुई। बाकी के नमूने फिर आवश्यकता अनुसार जांच के लिए भेजे जाते हैं। इसके बाद दिमाग को देखा जाता है। दोस्तों, ऐसे में मैं आपको बता दूं कि दिमाग को शरीर से तभी निकाला जाता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि दिमाग को सिर के अंदर से कैसे हटाया जाता है। दोस्तों, असल में इस स्थिति में सिर के पीछे रबर की वस्तु रखी जाती है और सिर को ऊपर उठाकर एक कान से ऊपरी कान तक काट दिया जाता है और ऊपरी हिस्से की त्वचा को हटा दिया जाता है। त्वचा को हटाने के बाद खोपड़ी को भी खोला जाता है, फिर मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से अलग किया जाता है, फिर कुछ ब्रेन टिश्यू की जांच की जाती है यदि आपको रोग के कोई लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर डॉक्टर चाहें तो शरीर के बाकी हिस्सों को भी जरूरत पड़ने पर टॉक्सिकोलॉजी या क्रोमेटोग्राफी नामक जांच करवा सकते हैं। ये परीक्षण डॉक्टरों द्वारा सिर्फ तभी दिए जाते हैं यदि डॉक्टर को संदेह है कि किसी भी मौत जहर से हुई है। दोस्तों, इस मामले में एक और सवाल सामने आ सकते हैं कि शरीर के कौन से अंग है जो इन सभी चीजों के पूरा होने के बाद हटा दिए जाते हैं। सभी ऑटोप्सी परीक्षण पूरे होने के बाद ये डॉक्टरों पर निर्भर करता है कि वे शरीर से भागों को हटा दे। ज्यादातर मामलों में हटाए गए अंगों को फिर से जोड़ दिया जाता है और त्वचा पर सील दिया जाता है, लेकिन कभी कभी जरूरत के हिसाब से कुछ हिस्सों को स्टोर कर लिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभी पोस्टमार्टम एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं आता है और उसके साथ साथ कभी कभी ये अदालत का मामले में सबूत के रूप में भी काम आते रहते हैं। शरीर के इन अंगों को फॉर्मलिन नामक एक प्रकार के तरल में डुबोया जाता है ताकि वे क्षतिग्रस्त ना हो। दोस्तों, वैसे तो मौत के रहस्यों को जानने के लिए पोस्टमार्टम एक बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया है, लेकिन आजकल भारत समेत दुनिया के कई देशों में बहुत से लोग पोस्टमार्टम पसंद नहीं करते और करना नहीं चाहते। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये कि जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य सामान्य रूप से नहीं चाहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति का शरीर क्षत विक्षत हो, और उसके साथ साथ ये प्रक्रिया विभिन्न धार्मिक नियमों के पालन में देरी करता है जो परिवार के करीबी लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जब तक अदालत शव परीक्षण का आदेश नहीं देती, ज्यादातर लोग इस मामले में अतिरिक्त पैसा और समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसलिए भारत समेत कई देशों में अब पोस्टमार्टम में गिरावट आ रही है। साथ ही दूसरे कारण के रूप में विशेषज्ञ मानते हैं कि पोस्टमार्टम एक बहुत ही पुराना तरीका है। ये प्रक्रिया तब के जमाने की है जब चिकित्सा विज्ञान में ज्यादा सुधार नहीं हुआ था, लेकिन अब हमेशा ही नई तकनीक आ रही है। नतीजतन कई मामलों में अब बिना पोस्टमार्टम के मौत के कारणों को पता लगाना संभव है। पोस्टमार्टम करने की कोई जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार पोस्टमार्टम अब एक वैकल्पिक तरीका है, ना कि मुख्य तरीका। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि पोस्टमार्टम के बारे में ये अज्ञात जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।